السلام علیکم ورحمت الله و برکاته استاذ اور زائر الله امان نن بیا تاسو ته حاضر په اعلان افیشل بانی نن د سرا یو داس خبره شریکه کومه د پیلغه زتاسته و ام چې ز نن د د جواب د پځبان کې ور کول غواړم او د چکه خبره کړل دغه جواب ولا ز د پځبا کې ور کومه راځي نوز خپل کومي زبان ته رپته हमीद मेर का भाई अमीर मीर जिसने कहा कि पख्तून दहशतगर्द है और इमरान ख़ान के घर पर अभी इस वक्त दहशत मौजूद है तो वहाँ पर वो गैरतमंद कौम मौजूद था पखतून जहाँ पे पाकिस्तान में के लिए कुर्बानियों देने के लिए जो पख्तून कौम आगे होता है वही पखतून कौम कल जमान पारक में परसों मौजूद था इमरान खान को भी उसने आपके दहशत गर्दी से बचाया तो हमीद मीर का भाई जो है एक नंबर का कुत्ता खंजीर है ये जब ये बात जब एक बंदे ने इसको बोला कि ये खंजीर है तो ये पूरा मीडिया हमारा पाकिस्तान का मीडिया ये उठ पड़ा कि अखलाक के, के दायरे से बाहर जा रहे जब उसने पखतून कौम को दहशत गर्द कहा तो आप मीडिया वाले सोए हुए थे उस टाइम नहीं बोल सकते थे कि पखतून कौम ऐसा कौम नहीं है तो वारिस मीर ने दो कुत्ते पाले हमीद मीर आमिर मीर दोनों खंजीर है जो पाकिस्तान को तकसीम करने की हमेशा इन लोगों के बात होती है हमीद मीर जी ओ न्यूज़ पर बैठ ये बकवास करता रहता है और इसका भाई वजीर इतला अभी क्यों बना यह हमीद मिर जो है कुत्ता है उसका भाई ये इसलिए बनाया गया ये पेडियम का टट्टा है दहशतगर्द पख्तून कौम नहीं है पिशावर में अमन मार्च तारीख़ में पूरा पख्तून कौम ने जो पुरान मार्च किया वो तारीख़ में लिखा जाएगा कि पख्तून अमन चाहते किसी से लड़ना नहीं चाहते कोई दहशत गर्दी नहीं चाहते अपने खैबर पखतनख्वा में ना वो कोई दहशतगर्द है पुरान लोग है लेकिन दहशत गर्दी लाने वाले लोग कौन हैं एक जियो पे बैठा हुआ है एक वजीर इतला जो नगरा गवर्नमेंट का जो वजीर इतला बना हुआ है टट्टा बना हुआ है तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये दोनों खंजीर है तो पुख्तून अमन कौम है पुर अमन दुनिया जानते उसको अगर खैबर पुख्तवा में आप इमरान रियाज से आप पूछे कि खैबर पुख्तनख्वा आप जाते उनसे आप पूछे कि पख्तून एक वेलकम वाला कौम है आप अगर मेहमान जाते तो उधर वेलकम किया जाता है लेकिन इन खंजीरों को वेलकम नहीं किया जाएगा इन शाला आज के बाद खैबर पुख्तनख्वा में अगर कदम भी रखा ना तो ये अपना याद रखेगा कि हमारा वेलकम कैसे करते ये लोग इमरान रियाज आते भाई ये हमारा जान है हमारा उससे पूछे ये बात तो मीर को और हमद मीर आमिर मीर को दोनों को पुख्तनखोम से माफ़ी मांगना चाहिए इस बात पे अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो पुखून कौम फिर जानते ही है पूरा दुनिया के पुख्तुनकौम एक गैरती कौम है वो अपना बदला जानता है जवाब देना भी जानता है तो इन कुत्तों को ये वीडियो हमीद मीर तक हमीद मीर तक जी जो पूरा पाकिस्तान में पैला दो आप लोग के इन कुत्तों तक पहुंच जाए कि पुख्तन कौम पुरामन कौम है दहशतगर्द नहीं है दहशतगर्द आप लोग ये मुल्क तकसीम करने के बातें आप लोग करते हो पुख्तून नहीं करता है अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह